सो हे गाइस, आज हम दोबारा से यूनिवर्स ऑफ द मार्शल गॉड के एपिसोड 2 के पार्ट 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप यार आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आएगा। सो पसंद आए तो एक बार लाइक सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को अलाउ जरूर कर देना। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम लिंगडोंग को देखते हैं जो कि एक पहाड़ की सीढ़ियां चढ़ रहा होता है। हम देखते हैं फिर यहाँ पे लिंगडोंग एक जगह पे पहुंच चुका था जहाँ पे दो लॉर्ड की बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां होती हैं। उतनी ही देर में वहाँ पे पर्पल मून आ जाती हैं और उस समय तो यहाँ पे लिंगडोंग ये चीज देख के काफी ज्यादा शॉक्ड में था कि ये कौन सी जगह है। अब यहाँ पे जो पर्पल मून थी वो आके लिंगडोंग से बोलती है कि तुम आने में लेट हो और चलो मेरे साथ, यहाँ पे जो तुम्हारे ग्रैंड मास्टर है वो बुला रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही वो लिंगडोंग कुछ बोले उससे पहले ही यहाँ पे पर्पल मून आगे चली जाती है और उसके पीछे पीछे लिंगडोंग भी जाने लग जाता है। अब यहाँ पे दोनों ही एक पहाड़ की चोटी के आसपास आगे खड़े हो जाते हैं और यहाँ पे पर्पल मून बोलती है कि सामने की तरफ देखो, ये जहाँ पे जितने भी लोग खड़े हुए हैं ये सारे एक स्टेडियम जहाँ पे बैटल टावर फाइट होने वाली है। फिर यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है, हम उसी जगह पे देखते हैं जहाँ पे फाइट होने वाली थी और यहाँ पे जो अलग अलग तरह से लोग खड़े हुए हैं ये अपनी अलग अलग टीम की तरफ से हैं और ये लोग यही सोचते हैं कि हम इतनी देर से खड़े क्यों हैं। और उतनी ही देर में लिंगडोंग और पर्पल मून वहाँ पे पहुंच जाती है। अब जो पर्पल मून थी वो बताती है लिंगडोंग से, जो कि तुम सामने की तरफ देख रहे हो, जो जाओ टैंग है जो कि यहाँ का सीनियर जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और इसी के पास सील सिंबल की मास्टर लेवल 2 है और इसे हराना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, हो सकता है टावर बैटल के फाइट में आसानी से जीत जाए। फिर उतने ही देर में हम लॉन को देखते हैं यहाँ पे, जो उसके भाई बंदे के कान में कुछ फुसफुसा रहा होता है, पर वो जो बंदा था वो उसी का भाई होता है जो कि बड़ा भाई था। अब यहाँ पे दोनों ही उसके पास जाके बोलते हैं, मैंने तुम्हें देखा है लिंगडोंग कहीं पे, तुमने तो वही हो जो मेरे भाई को बहुत बुरी तरह से मारा था। अब यहाँ पे लॉन भी यही बोलता है कि हाँ ये वही है जहाँ पे एक बार हम फाइट में मिले थे तो इसने मुझे मारा बहुत था। और जो लॉन का भाई होता है वो लिंगडोंग से बोलता है, क्या तुम्हें पता है स्वॉर्ड मास्टर एक ऐसी तलवार है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और इतनी आसानी से किसी को मिलती भी नहीं है। मगर यहाँ पे लिंगडोंग बोलता है कि नहीं, मुझे इसके बारे में सब कुछ भी नहीं पता। मगर ये लोग तो काफी ज्यादा कंफ्यूज थे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इतना ज्यादा पावरफुल और पॉपुलर बंदा और इस स्वॉर्ड के बारे में ना जानता हो। और उतनी ही देर में लिंगडोंग लॉन की बेइज्जती मारने लग जाता है और यहाँ पे लॉन काफी ज्यादा गुस्सा होता है और बताता है कि तुम्हें इसी बैटल टावर के आसपास ही मारेंगे तुम्हें। अब यहाँ पे उसका भाई रोकता है उसे, अभी यहाँ पे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़े टाइम रुको, हम इसके फाइट जरूर लेंगे। अब यहाँ पे जो पर्पल मून थी वो लिंगडोंग के सामने खड़ी हो जाती है और उन दोनों ब्रदर्स से बोलती है कि तुम अपने काम से काम रखो। यहाँ पे जो उसका बड़ा भाई होता है लॉन का, वो बताता है लिंगडोंग से, क्या तुम्हें पता है जो ये बैटल टावर है वो काफी ज्यादा डेंजरस है और तुम्हें मैं तो यही सलाह देना चाहूंगा, बस थोड़ा ध्यान से फाइट लेना। और यहाँ पे उतनी देर में वो सीनियर उन्हें बुला लेता है पीछे। अब यहाँ पे पर्पल मून भी लिंगडोंग से बोलती है कि तुम थोड़ा चौकन्ना रहना इन लोगों से, मुझे लगता नहीं है कि तुम्हें आसानी से जाने देंगे और यहाँ पे जो तुम जब बैटल टावर के अंदर जाओगे तो तुम्हें और भी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तुम हो सकता है उस समय अकेले हो। और यहाँ पे लिंगडोंग बोलता है कि हाँ मैं समझ गया। और उतने ही देर में वहाँ पे जो दोनों ही टीम के लॉर्ड आ जाते हैं और ये जो दो लॉर्ड आते हैं दोनों ही ग्रैंड मास्टर होते हैं एक एक अपने काम काम में। यहाँ पे एक ग्रैंड मास्टर होता है जो कि लिंगडोंग के साथ में थे और यहाँ पे जो दूसरे ग्रैंड मास्टर होते हैं जो दूसरी टीम के साथ में थे, यहाँ पे जो दूसरे ग्रैंड मास्टर थे उनका नाम ग्रैंड मास्टर हैन होता है। अब यहाँ पे दोनों ही ग्रैंड मास्टर एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। उतने ही देर में जो पर्पल मून थी वो लिंगडोंग से बोलती है कि ये जो सामने की तरफ ग्रैंड मास्टर देख रहे हो ये उनके बारे में डिटेल बताती है कि ये हैन है और ये सामने वाली टीम के एक लॉर्ड है जो कि आने वाले टाइम पे इन्हीं के साथ रहेंगे और इन्हीं की वजह से जज करेंगे। अब हम देखते हैं इन दोनों के बीच बातचीत होने के बाद, मतलब दोनों लॉर्डो के बीच, यहाँ पे जो लिंगडोंग के ग्रैंड मास्टर थे अब यहाँ पे वो बताते हैं कि तुम जानते होंगे रूल क्या क्या है। और उतने ही देर में जो दूसरे ग्रैंड मास्टर हैन थे वो बताते हैं कि तुम ज्यादा बोलो मत, अब तुम स्टार्ट करो जल्दी से जल्दी जितना हो सके। अब यहाँ पे जो लिंगडोंग के ग्रैंड मास्टर थे वो आगे की तरफ जाने लग जाते हैं और यहाँ पे वो अपनी पूरी पावर के साथ उस एक जो छड़ी थी उनके पास वो आसमान की तरफ फेंकते हैं जिसके चलते उसमें से एक ऑरा फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि यहाँ पे कुछ पत्थर उड़के हुए उनके पास आते हैं और वही पत्थर उस ऑरा फॉर्मेशन के पास जाते हैं। और उतने ही देर में देखते हैं यहाँ पे जो टावर था वो धीरे धीरे निकलने लग जाता है। यहाँ पे वो ग्रैंड मास्टर अपनी पूरी एनर्जी को लगा देते हैं जिसके चलते वो पूरे सिंबल टावर बाहर आ जाता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा था देखने में।
अब इसी टावर के अंदर इन लोगों को एक दूसरे से फाइट लेनी होती है। अब अगर यहाँ पे फाइट के बीच हो सकता है इन लोगों को कुछ हो जाए, मगर यहाँ पे फाइट तो मेन चीज नहीं थी। यहाँ पे इन लोगों को स्टेजेस वाइज सबसे ऊपर पहुंचना था, जो सबसे पहले ऊपर पहुंच जाएगा और यहाँ पे कुछ ऊपर करके करना पड़ता है और वही इस मैच का विजेता होगा। क्योंकि दोनों ग्रैंड मास्टर ऐसे तो नहीं किसी भी नॉर्मल इंसान को आके इस बैटल टावर फाइट के अंदर इन्वाइट कर दें। अब यहाँ पे जो ग्रैंड मास्टर लिंगडोंग की तरफ से थे, वो उनकी होप तो सिर्फ पर्पल मोनी थी, और यहाँ पे जो दूसरी तरफ ग्रैंड मास्टर हैंग थे जो उनकी थी ज्वांग टैन। यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में बता ही दिया होगा जो कि लेवल 2 के एक सीनियर मास्टर रह चुका है। अब यहाँ पे ग्रैंड मास्टर उस बैटल का टावर का दरवाजा खोल देते हैं, उतने ही देर में उसके अंदर से एक इतनी ज्यादा पावर से रोशनी निकलती है जो कि सीधा उन्हीं के पास जा रही थी। अब हम यहाँ पे देखते हैं दोनों ही ग्रैंड मास्टर अपनी टीम को बोल देते हैं कि तुम्हारा टाइम आ चुका है कि अब तुम इस टावर के अंदर जाके तुम्हें इस मैच को जीतना ही होगा। अब यहाँ पे जितनी भी टीम होती है वो यहाँ पे आगे अंदर की तरफ जाने लग जाती है और यहीं पे हमारा पार्ट 1 खत्म हो जाता है। आई होप यार आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को अलाउ जरूर कर देना।